हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं फाइनल क्वेश्चन की सीरीज कर रहा हूँ फॉर एसबीआई क्लास 2021 के लिए। काफी इंपॉर्टेंट सीरीज, उसके अंदर मैं सारे ऐसे टॉपिक कवर कर रहा हूँ, मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, ठीक है। मैथ में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, मिसलेनियस के थोड़े बहुत पार्ट्स, वैसे ही रीजनिंग में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, डिस्टेंट डायरेक्शन हो गया, सिलॉगिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, जो मैंने आज टॉपिक लाया, इनइक्वालिटी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखिए, इनइक्वालिटी जो है काफी ईजी रहता है, जो है स्कोरिंग टॉपिक रहता है, ठीक है। इसका एग्जाम के अंदर वेटेज मिनिमम 3 मार्क्स का, मैक्स टू मैक्स 15 मार्क्स का, ठीक है, सॉरी मैक्स टू मैक्स 5 मार्क्स का, ठीक है। तो प्रॉपरली ध्यान दीजिए, देखिए इनइक्वालिटी के अंदर जो होता है वो साइनिंग मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रेटर स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल, स्मॉलर और इक्वल, या फिर नाइदर, ठीक है, ये मेन टॉपिक रहते हैं, ठीक है। तो प्रॉपरली ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, एन इज इक्वल टू पी बोला है, एन इज इक्वल टू पी बोला है, उसके बाद क्या बोला है, पी स्मॉलर और इक्वल टू एफ बोला है कि नहीं, उसके बाद क्या बोला है, एफ इज ग्रेटर और इक्वल टू एल बोला है, और एल इज इक्वल टू के बोला है, ये बोला है क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद क्या बोला है कि एफ और एफ इज इक्वल टू के हो सकता है क्या, एफ जो है इक्वल टू के हो सकता है क्या, इन शॉर्ट ऐसा बोला है ना, एफ इक्वल टू के हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, एफ इज ग्रेटर देन के हो सकता है क्या, खाली ग्रेटर देन भी नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वल ग्रेटर इक्वल है और इक्वल है, ग्रेटर भी नहीं हो सकता और इक्वल भी नहीं हो सकता। पर ऐसे जो क्वेश्चन अगर सबको एग्जाम के अंदर आपको दिखे कि एफ इज इक्वल टू भी के दिख रहा है और एफ इज ग्रेटर इक्वल ग्रेटर देन भी के दिख रहा है, तो 90% चांसेस है कि इसका आंसर जो है ना आइदर केस में निकलेगा आपका, कि 90% चांसेस है जो इसका आंसर जो निकलेगा वो आइदर केस में निकलेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम लोग समझे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया जा रहा है और हम लोग पॉइंट क्या लगा रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ग्रेटर दिख रहा है, दोनों आंसर जो है आइदर केस में जाते हैं, ठीक है। जब भी अगर आपको ऐसा कुछ दिखे तो आप डायरेक्ट आइदर केस लगा के अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन हो जाइए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्यू इज इक्वल टू जेड, उसके बाद ऐसा कोई वर्ड, ये जो लेटर फाइंड करिए जो एज इट इज इसमें मैच कर रहा हो, तो क्यू फाइंड कर रही है, तो क्यू दिख रहा है यहाँ पर, क्यू इज स्मॉलर और इक्वल टू जी, उसके बाद क्या दिख रहा है हमें, जी दिख रहा है, तो जी के नीचे जी लिखी है, उसके बाद क्या बोला है, जी इज स्मॉलर इक्वल टू सी, उसके बाद हमें सी दिख रहा है यहाँ पर है, तो सी इज स्मॉलर इक्वल टू जे, ओके। उसके बाद हमें क्या और कोई दिख रहा है, ओके 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अभी हमारा क्या बच गया, जी सी जी हो गया हमारा, क्यू आर बाकी है ना, तो क्यू आर आर बाकी है, तो क्यू के ऊपर क्यू लिखी है और यहाँ पर इज इक्वल ग्रेटर इक्वल टू आर लिख लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह हमारे हो गए डायग्राम ड्रॉ करके। उसके बाद हमें फाइंड करना है कि जी इज ग्रेटर इक्वल टू जेड हो सकता है क्या, जी इज ग्रेटर इक्वल टू जेड, जी इज ग्रेटर और इक्वल टू क्यू है और क्यू इज इक्वल टू जेड है, तो हमारा आंसर पहले सही निकलेगा, जी इज ग्रेटर इक्वल टू जेड, क्योंकि जी ग्रेटर इक्वल टू क्यू है और क्यू एज इट इज इक्वल टू जेड है, तो ऑब्वियसली बात है ग्रेटर इक्वल टू जेड हो ही सकता है वो, तो हमारा पहला जो है वो सही निकल गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, सी ग्रेटर और इक्वल टू आर है क्या, सी ग्रेटर इक्वल टू आर है क्या, अब सी इज इक्वल ग्रेटर टू जी है, जी इज ग्रेटर और इक्वल टू क्यू है, क्यू इज इक्वल टू जेड है कि नहीं, उसके बाद क्या बोला है, और जेड उसके बाद क्या बोला है, क्यू इज ग्रेटर और इक्वल टू आर भी है ना, क्यू इज ग्रेटर इक्वल टू आर भी है, तो हमारा जो आंसर है सेकंड भी सही निकलेगा, क्योंकि एज इट इज ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू फॉलो कर रहा है सीरीज, तो हमारा सेकंड आंसर भी सही निकल गया। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो निकलेगा, बोथ वन एंड टू इज फॉलो, ठीक है, बोथ वन एंड टू इज फॉलो, मतलब दोनों सही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, सी स्मॉलर देन डी, डी इज ग्रेटर देन ई, ई इज ग्रेटर देन एफ, यही क्वेश्चन बोला है। अभी ऐसा हमें पूछा गया है कि ई ग्रेटर देन सी हो सकता है क्या, ई ग्रेटर देन सी हो सकता है क्या, पहले ई जो स्मॉल हो रहा है ना, ई स्मॉलर देन डी बोल रहा है और डी जो ग्रेटर देन सी हो रहा है, साइनिंग ऐसी आ रही है ना, तो ये हमेशा रॉन्ग होता है, ठीक है। अगर ऐसा वो और ई पूछ रहा है तो E ग्रेटर देन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, F इज ग्रेटर देन B हो सकता है क्या, ऑब्वियसली बात है साइनिंग चलते चलते यहाँ पर स्पीड ब्रेकर आ गया, तो यहाँ पर जो है स्मॉलर स्मॉलर और ग्रेटर आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर रॉन्ग आ जाएगा, इसलिए दोनों बोथ नाइदर, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, नाइदर, ठीक है, नाइदर, यहाँ बोथ फॉलो हो रहे, ठीक है, ये बोथ फॉलो हो रहे, ये नाइदर फॉलो हो रहे, दोनों के दोनों फॉलो नहीं हो रहे, ठीक है, और यहाँ पर जो आइदर केस लग रहा है, ठीक है, आया समय। अगला क्वेश्चन है, के इज स्मॉलर देन एल, के इज स्मॉलर देन एल, उसके बाद देखिए ऐसा क्वेश्चन, वेरिएबल जो नीचे आ जाए उसके, के इज ग्रेटर देन एम, के इज ग्रेटर देन एम, उसके बाद देखिए एम इज ग्रेटर इक्वल टू, एम इज ग्रेटर इक्वल टू एन, उसके बाद क्या बोला, एन इज ग्रेटर देन ओ, यही बोला है। अभी देखिए एम इज ग्रेटर देन ओ बोला है,
एम इज ग्रेटर देन ओ बोला, एम इज ग्रेटर इक्वल टू एन ए और एन इज ग्रेटर देन ओ है, तो ऑब्वियसली बात पहला जो फॉलो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, के इज ग्रेटर देन ओ, के इज ग्रेटर देन ओ, के ग्रेटर देन एम, एम इज इक्वल ग्रेटर इक्वल टू एन और एन इज इक्वल टू, तो साइनिंग क्या दिख रही है, ऐसी साइन दिख रही है, कहीं स्पीड ब्रेकर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सारी के सारे ग्रेटर में दिख रही है, बीच में इक्वल आ रहा है बस, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता कि वो सही निकल गया, ठीक है, ये भी, तो बोथ वन एंड टू इज फॉलो, तो यहाँ पर भी बोथ फॉलो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी दोनों बोथ फॉलो दिखेगा, ठीक है। काफ़ी ईजी रहता है, बस बेसिक पता होना चाहिए कि हमें कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपको बताया मैंने कैसे ये कैसे सॉल्व करते हैं, ये कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ऐसा कोई क्वेश्चन रहा तो आइदर आइदर कैसे लग सकता है, ठीक है, ये सब बेसिक ट्रिक पता होनी चाहिए आप लोगों को, तभी आप लोग इसके अंदर बेनिफिट होगा आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोग समझ में आ गया होगा, काफ़ी ईजी टॉपिक है, ठीक है। टाइम इसको ये देखिए, तीन चार मार्क अगर सब तीन चार मार्क के लिए इनइक्वालिटी आ रही है आपकी, तो आप लोग मैं तो चाहता हूँ तीन चार मार्क एज इट इज आपको उतने आने ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी ईजी टॉपिक है और टाइम भी काफ़ी कम लगता है, एक से डेढ़ मिनट के अंदर पाँचों क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया कि मैंने कैसे करा है, एकदम इजी वे में समझाया आप लोगों को। तब भी कुछ भी डाउट हो क्वेरी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।